पापा हूँ मैं पापा इस दुनिया का पापा। हाँ पापा हूँ मैं पापा इस दुनिया का पापा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की साली वीडियो में हम बनाने वाले अपनी सर्वाइवल सीरीज में एक नेदरराइट का पूरा इंचेंटेड आर्मर और टूल्स, और उस चीज़ की नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको देर से ही करके दिखाएंगे, लेकिन जल्दी करेंगे, देर से करेंगे वो आपको बाद में वीडियो के अंदर देख लेना वीडियो की कितनी मेहनत की होने वाली है। तो गाइस जल्दी से अभी हम चलते हैं यहाँ पे सैंड को माइन करने। तो सैंड माइन करने के लिए हमें चाहिए होगा डेजर्ट, जो कि हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास डेजर्ट है नहीं, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, जब होगा ही नहीं तो होएगा कैसे। तो अपने साइड वाले इलाके से डेजर्ट की जगह यूँ ही सैंड माइन करके ले आते हैं। तो जल्दी से माइन करते हैं सैंड को। तो अभी आ चुके हैं हम अपने यहाँ पे गन पाउडर फार्म पे, जिस पे हम AFK तो खड़े ही थे पिछली वाली वीडियो में। पता नहीं कौन सी वीडियो थी वो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है वो। जब मुझे याद ही नहीं है तो वो मुझे याद ही नहीं है, वो कभी याद भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुझे याद ही नहीं है। अब मैं सर जल्दी से गन पाउडर निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो भी मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी देर AFK कर रहा था। मुझे याद नहीं है तो याद ही नहीं है। चलो जल्दी से अब TNT बनाते हैं। वो तो मुझे याद है TNT बनाना, तो जल्दी तो अब TNT बनाते हैं सारे, और TNT बना के आपको मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मेरे सारे TNT तो नहीं बनेगा इस। हाँ, 500 सब्सक्राइबर पर मेरा Q&A वीडियो आ रहा है, तो जिसने भी Q&A की नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा क्वेश्चन पूछो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जल्दी तो क्वेश्चन पूछो, कमेंट पूरा खाली है, जल्दी से पूछ लो और चलते हैं। तो गाइस फाइनली मेरी TNT बन चुकी है, और अब हमारा लॉन्चर वाला एक्टिवेटेड पार्ट। तो यही था हमारा लॉन्चर एक्टिवेटेड। और यार मुझे एक चीज़ टेस्ट करनी है कि अगर मैं शॉर्ट पर फिल्म रखा है तो हाँ मैं इस TNT को इग्नाइट करता हूँ, फ्लेम रखता है शॉर्ट पे इग्नाइट कर सकता हूँ इसे, तो बाकी तो इग्नाइट हो जाएगा, तो मैं फिल इंटेन स्टील की जरूरत नहीं, और बाकी इस गड्ढे को जल्दी से भर देते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने इस गड्ढे को भर दिया, और जल्दी से अभी तो हम सोने चले जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम सो के उठते हुए उसके बाद अभी तो जल्दी से हम जाना है। कहाँ जाना है? हाँ जहाँ हमें जाना है यहाँ पे बेसिन की तलाश में। जल्दी से आप बेसिन की तलाश में चलते हैं, और बेसिन को के पास आपको मिलते हैं या दूर आपको मिलता है, कहीं भी नहीं मिलते हैं, तो मिलते हैं बाद में मिलेंगे। तो फाइनली हमें बेसिन मिल चुका है, और फिर उसके बाद तो अभी हमें बेसिन तो मिल चुका है, और ये मैं बेसिन में दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार मैं नेदरराइट के आर्मर में आया, वो आयरन के आर्मर में आया था, जो कि पिगलिन ने पहन रखा है, आप देख सकते हैं अपनी शिकल पे क्या स्क्रीन पे। और बाकी तो इसने शेल वील्ड सब ले ली मेरी, क्योंकि मैं पहली बार आयरन में आया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो गाइस फाइनली मुझे एक यहाँ पे इतनी देर के बाद चेस्ट मिली है, बहुत ज़्यादा देर के बाद, और मैं बहुत ज़्यादा पिट चुका हूँ। जल्दी से इस चेस्ट को ले उठते हैं कवर करके, ताकि ये हम पे गुस्से ना हो। तो 1 2 3 लेट्स गो। अरे टट्टी है ये, तो टट्टी है मेरे यार, मैंने इसके अंदर ही ऐसी क्यों चीज़ें होती है। कोई बात नहीं गाइस, होने दो तो होने दो। मुझे एक चेस्ट तो दिख चुकी है वहाँ पे, और मेरा पिछला वाला सामान भी आप देख सकते हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है। और गाइस आपको अगर मेरी थोड़ी बहुत आवाज़ ऐसा बदली बदली लग रही है, तो उस पर ज़्यादा ही ध्यान मत देना, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बुखार हो गया, तो कोई बात नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेगुलर वीडियो आएंगी, और माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल वीडियो तो ज़रूर आएंगी, और बाकी तो अभी हमें यहाँ पर फाइनली स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया भाई, वो भाई, और स्नाउट आर्मर ट्रिम भी मिल गया भाई साहब। आप देख यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार कुछ, अरे यार मैं क्या बोलूँगी, मैं होपलेस हो रहा हूँ इस टाइम। जल्दी से मैं भग के जा रहा हूँ यार, मैं लावा पावा पूल में गिर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी मैं कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम गिरेंगे ही नहीं, तो हमें फिक्र कैसी होगी। और वैसे मैंने रिटर्न करके एक घास्ट को मारा था, जिससे मुझे मिल चुके हैं पूरे के पूरे 3 घास्ट यार, और वैसे 11 चिंदी घास्ट। इसे शॉर्ट से मार कर देखता हूँ, एक बार मजे आएंगे बहुत ज़्यादा। अरे भाई साहब, इसने तो फायर बॉल मार दी। अरे पिगलिन मेरे ऊपर क्यों आ गए भाई, मैंने गोल्ड का पैन नहीं देखा क्योंकि। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो मेरा नेदर पोर्टल टूट गया है। तो भाई अभी मुझे लगाना पड़ेगा 500 IQ प्लेस, और देखो 500 IQ प्लेस से मेरा ये हो चुका है, क्योंकि मेरे अंदर IQ की कमी नहीं है। अगर मेरे आपको IQ चाहिए मेरा, तो जल्दी से ले लेना, बाजार में 500 रुपये किलो मिल जाएगा,
और बाकी तो मैं देख रही हूँ। मैंने एक कैसा एक ट्रिक करी थी लीफ बैट की। और गाइस यहाँ पे घोड़ा भी मिला है तो घोड़े को टेम कर लेते हैं जल्दी से। और जो भी हमें घोड़ा मिलता है हम उसे टेम करते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला घोड़ा है तो इस वजह से हम इसे टेम करेंगे। टेम नहीं करेंगे तो हमारे पास सैडल कहाँ से आएगा। सॉरी 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 सैडल तो आएगी, सैडल लगा देते हैं इसके अंदर जल्दी से। तो गाइस फाइनली हमारा सैडल लग चुका है, उसके बाद हम तो जल्दी से चलते हैं इसे पार्क कर देते हैं कहीं। यस गाइस पार्क, तो गाइस मैंने इसे अपने घर में पार्क कर दिया है। अभी मैं नेदरराइट की माइनिंग करके आता हूँ, क्योंकि नेदरराइट की नहीं तो हम इस वीडियो को बना रहे गाइस। तो माइनिंग करके आता हूँ और ये आ चुके हैं हम नेदर में। ये मुझे सबसे अच्छी प्लेस लग रही है नेदरराइट माइनिंग की, नहीं तो जल्दी से नेदरराइट माइनिंग करनी स्टार्ट करते हैं अपनी। अरे यार नेदरराइट माइनिंग स्टार्ट करनी करनी स्टार्ट करी नहीं भाई साहब, ये टट्टी जी के आगे। तो कोई बात नहीं, सीधा हमने मार के हमने इसे हमने मार दिया। और दिल्ली हम आ चुके हैं वाई लेवल 14 पे, या हमें 14 पे करनी होती है नेदरराइट माइनिंग, तो हम 14 पे आ चुके हैं। दिल्ली से हमें 49 पे माइनिंग करनी है। तो ये है मेरी पहली माइनिंग की ट्रिप इस वर्ल्ड में नेदरराइट की। और अभी तो दिल्ली से हमें लगाने हैं TNT, धू 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 धू। तो दिल्ली से हम TNT लगाते हैं और फाइनली यार हमारी TNT लग चुके हैं। और ये पहला ब्लास्ट जो कि हम कर रहे हैं अपनी शॉट से गाइस, शॉट से समझ रहे हो, शॉट से यार ब्लास्ट कर रहे हैं हम। तो गाइस हम TNT से ब्लास्ट कर रहे हैं, वैसे तो शॉट से तो हम उसे इग्नाइट कर रहे हैं TNT को, बाकी तो कोई बात नहीं ऐसे तो होता चलता रहता है। जल्दी से अभी हमें करना है यहाँ पे एक और भाई इग्नाइट, और करके आपको जल्दी से मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो सोचिए अभी मिल जाएंगे यार, टेंशन किस बात की ले रहे हो यार आप। अरे यार टेंशन 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 यार, इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन तो मुझे अपने टेस्टों में नहीं होती जितनी टेंशन यहाँ पर नेदरराइट माइनिंग की हो रही है। तो गाइस फाइनली मेरी इस वर्ल्ड का पहला एंशियंट डेब्रीज। तो गाइस पहले टाइल ड्रॉप ऑन कर लेते हैं, तो फाइनली पहला, तो इसके आसपास भी माइन करके देखते हैं। ओ फाइनली दूसरे में मिला यार, और तीन तीन है यार इधर तो। तो पहले इधर वाले को माइन कर दे, इधर वाले को माइन करते हैं। और दिल्ली से अभी हम दिखाएंगे आपको एक तगड़ा सा माउंटेज, इसे एंजॉय करिए और मजे लीजिए। जल्दी से जल्दी अपने घर को तो कैसे कर लिए, हम अपने घर पे आ चुके हैं। और फिर उसके बाद अभी जल्दी से हमें नेदरराइट का अपना पूरा का पूरा आर्मर बनाना है। और शाउट आउट मैं नेक्स्ट में बिल्कुल एंड में देने वाला हूँ। तो वैसे अभी मुझे बनाना है तो उसके लिए मुझे गोल्ड चाहिए, लेकिन उससे पहले डेब्रीज को स्मेल्ट कर देते हैं, जिसके लिए मुझे कैद ब्लॉक बना लूंगा। अरे यार लेकिन कैद ब्लॉक लेने की जगह नहीं है, तो जगह जल्दी से बना लेते हैं अपने अंदर। क्या बोला तूने? और फिर उसके बाद अपने अंदर सॉरी अपनी इन्वेंट्री में, और फिर उसके बाद जल्दी से अभी स्मेल्ट करते हैं। तो इधर रखते हैं कैल ब्लॉक्स,
रख दिए हैं, तो ड्राइड कैल ब्लॉक्स ये रख दिए हैं। और गाइस फाइनली हमारे सारे के सारे मेल्ट हो चुके हैं, और जल्दी से अब हम उठा लेंगे इसे, जल्दी से उठा लेते हैं। और वैसे मैं पूरी की पूरी 29 एंशिएंट डेब्रिस माइन करके लाया, तो जिससे हमारे बन चुके 29 नेदरराइट स्क्रैप। और उसके बाद जल्दी से हमें इंगट बना के, जल्दी से हमें बनानी है वो नेदरराइट इंगट, जल्दी से नेदरराइट इंगट बनाते हैं। फाइनली हमारे 5 नेदरराइट इंगट तो बन चुके हैं यार, खुशी कितनी हो रही है। तो गज जल्दी से और गोल्ड लेते हैं, और ये फाइनली पूरे के पूरे बन चुके हैं। और जल्दी से अभी तो हम यहाँ पे सोने चलते हैं। The next day. फाइनल गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और ये देखिए हमारा प्यारा सा घोड़ा जिसे हमने पहले टेम करा था, फिर हम नेदर में चले गए थे, तो इसे यहाँ पे हमने पार्क कर दिया था, पार्क नहीं सॉरी यार खड़ा कर दिया था। और गाइस अभी तो हमें बनाने हैं अपने स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करना है, जो कि हम डायमंड से करेंगे। यार मेरे डायमंड खर्च होने वाले हैं अब यार, 1.1920 का मस्त फीचर भी है एक तरीके से, यार अजीब सा भी लगता है क्योंकि यार डायमंड ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो जल्दी से अभी बना लेते हैं पूरे के 8 8, और यार 50 में से बस एक ही डायमंड बचा है, जिसे मैंने अपने वहीं पर रख दिया है सॉरी। और स्मिथिंग टेबल को भी बनाते हैं जल्दी से, और यहीं पर रख देते हैं स्मिथिंग टेबल भी, यहाँ पर रख देते हैं। तो ये रख दिया हमने, और ये हम अपना अपग्रेड करने वाले आर्मर। तो सबसे पहला ये हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट, और ये सॉर्ड को भी कर लेते हैं, और अपने सिल्क टच वाली पीएक्स को भी कर लेते हैं इंचेंट, और इंचेंट नहीं सॉरी नेदरराइट में कन्वर्ट, और एक्स को भी कर लेते हैं। और गाइस फाइनली पूरा डायमंड ये हो चुका है नेदरराइट में अपग्रेड, और गाइस हमने बना लिया पूरा नेदरराइट आर्मर। फाइनली हमने पूरा का पूरा नेदरराइट आर्मर बना दिया। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, और शाउट आउट जाता है इन्हें, और लाइक है मैं हमारी वीडियो का 10 लाइक, फर्स्ट कमेंट पे शाउट आउट मिलेगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब। बाय बाय।